भाजपा ने लोकसभा चुनाव की कैंपेन वॉल राइटिंग से शुरू कर दी है। अयोध्या से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दीवार पर कमल का फूल बनाकर लिखा एक बार फिर से मोदी सरकार। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि भाजपा ने पूरे देश में दीवार लेखन कार्यक्रम चुनाव चिन्ह अंकित करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में प्रदेश में हम सभी कार्यकर्ता दीवार लेखन का कार्य शुरू कर रहे हैं। अयोध्या में कमल का फूल बनाकर एक बार फिर से मोदी सरकार वॉल पर हमने लिखा है। भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा कि 22 जनवरी अद्भुत अविस्मरणीय पल आने वाला है। भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे और उसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। दीवार लेखन कार्यक्रम चुनाव चिन्ह को अंकित करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने देश की राजधानी दिल्ली से प्रारंभ किया है और उत्तर प्रदेश में हम सभी कार्यकर्ता हमने आज यहाँ अयोध्या में प्रारंभ किया है। आप देख रहे हैं दीवार पर कमल चुनाव चिन्ह अंकित अभी हमने किया है और हम पूरे प्रदेशवासियों से अपील करते हैं जहाँ भी साफ सुथरी दीवार हो बेहतर ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से एक बार फिर मोदी सरकार और चुनाव चिन्ह कमल का फूल अंकित करके उत्तर प्रदेश के विकास में चतुर्मुखी विकास में सहायक बने भागीदार बने।